किशनगंज जिले के कोचा धमान प्रखंड अंतर्गत सुंदरबाड़ी पंचायत के किसान कॉलेज को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है। बता दें आपको, किसान कॉलेज एक डिग्री कॉलेज के रूप में अब छात्र देखने को चाह रहा है, मगर यहां अभी आज भी जो शिक्षक अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहा है, वित्त सहित रहने के बाद भी सरकार द्वारा इन्हें वेतन नहीं दी जाती है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से जोरों शोरों से काम कर रही है, तो वहीं कई ऐसे कॉलेज हैं जो सरकार से कोसों दूर हैं, जहां शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया जाता है, फ्री में अपनी सेवाएं दी जाती हैं। आज भी कॉलेज बिल्डिंग से कोसों दूर है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सीमांचल के किशनगंज समाधान यात्रा लेकर आ रहे हैं, वहीं शिक्षकों ने बताया कि डिग्री कॉलेज सुंदरबाड़ी किसान कॉलेज को मान्यता दी जाती है, तो लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजकर किशनगंज में ही रहकर अपने बच्चों का डिग्री दिला सकते हैं। वहीं प्रोफेसर नूर सभा एवं आदि शिक्षकगण मौजूद रहे, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया सन 1986 से लेकर 2013 तक ये कॉलेज निःशुल्क सेवा शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते रहे, अब रिटायर हो गए हैं। अब बने नए प्रिंसिपल ने कहा कि अभी तक हमें कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देकर किसी और तरह से खाना पूर्ति कर रही है। समाधान यात्रा से लोगों ने मांगा कि डिग्री कॉलेज एवं किसान कॉलेज पर ध्यान पूर्वक देकर इसमें बेहतर व्यवस्था के लिए काम कर सके, ताकि यहाँ के युवाओं के भविष्य को बेहतर कुछ खुशहाली में लाया जा सके। किशनगंज से मिन्हाज आलम की रिपोर्ट।